नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। पटना से रजरप्पा आए दो युवकों मनीष और अभिषेक को मौत के जबड़े से खींच लिया गया। यह अनेक काम छिन्न मस्ती का मंदिर के पुजारी ने किया। पुजारी ने पहले भैरवी नदी के तेज बहाव में बह रहे दोनों युवकों को किसी तरह एक चट्टान पकड़ लेने को कहा। दोनों युवकों ने ऐसा ही किया। चट्टान पकड़ वह दोनों बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। वहीं मंदिर के वरिष्ठ पुजारी लोकेश पंडा ने फूल प्रसाद बेचने वालों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जाबाज एक बहादुर युवक पिंटू भैरवी नदी की तेज धार में दोनों युवकों के पास एक रस्सी के सहारे पहुँच गया। रस्सी के एक छोर को चट्टान में बांधा गया, वहीं दूसरे छोर को थामे कई लोग खड़े थे। बारी बारी से मनीष और अभिषेक को सही सलामत भैरवी नदी की तेज धार से निकाल लिया गया। सहसा लोगों की जुबा पर एक ही बात आई कि इनकी माँ आज जितिया व्रत की होंगी, उन्हीं के आशीर्वाद से दोनों की जान बची होगी। राजधानी रांची में AK-47 राइफल्स से राजेश साहू और संदीप पर गोलियों की बौछार कर उन्हें मौत के घाट उतार देने वालों का अब तक कुछ भी नहीं बिगड़ा है। पुलिस का दावा है कि इस दोहरे हत्याकांड के पीछे PLFI संगठन से जुड़े उग्रवादियों का हाथ है। PLFI के एक्टिव अमृत होरों के दस्ते ने इस घटना को अंजाम दिया है। वर्चस्व के खेल में राजेश और संदीप मारे गए। इस कांड में शामिल हथियारों को खोज निकालने के लिए रांची पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। रांची पुलिस का साथ झारखंड जगुआर के जवान दे रहे हैं। यहां याद दिला दें कि बीते 29 सितंबर की रात लापंग थाना क्षेत्र के गाँव में बाइक सवार अपराधियों ने राजेश और संदीप पर गोलियों की बौछार कर दी थी। राजेश मौके पर ही मारा गया था, वहीं संदीप ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। लाधार के औरंगा नदी में नहाने गई 6 लड़कियां डूब गई। शोर सुनकर मौके पर जुटे लोगों ने भरपूर दम लगाकर 4 लड़कियों को बचा लिया। वहीं एक बच्ची चांदनी नदी के तेज बहाव में बह गई, उसका कुछ पता नहीं चला। वहीं एक बच्ची पूर्णिमा कुमारी की डेड बॉडी मिली है। यह नदी मंडिका थाना क्षेत्र के भटको गाँव में है। इस गाँव में रहने वाली कुछ बच्चियाँ औरंगा नदी में नहाने गयी थी। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी में लबालब पानी था। नहाने के दरमियान 6 बच्चियां डूबने लगी। उन्हें डूबता देख उनके साथ गए बच्चों ने शोर मचाना शुरू किया। शोर सुनकर मौके पर जुटे लोग नदी में कूद गए और 4 बच्चियों को बचा लिया। चांदनी नदी की तेज धार में बह गई, वहीं पूर्णिमा की डेड बॉडी मिली। इस हादसे के बाद लातेहार के भटको गाँव में तहलका मच गया। चांदनी का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है, उसे खोजा जा रहा है। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र के श्रीनगर कॉलोनी में एक दुकानदार के बेटे की डेड बॉडी मिली। उसकी डेड बॉडी दुकान के अंदर ही मिली। दुकान अंदर से बंद था। आशंका जताई गई कि यह सुसाइड केस है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुकानदार नौशाद आलम ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा रात में घर में खाने के बाद दुकान में सोने चला जाता था। शुक्रवार की रात में उसने ऐसा ही किया। शनिवार की सुबह वह दुकान से बाहर नहीं निकला। दुकान अंदर से बंद थी, इसके चलते कई ग्राहक वहां से वापस लौट रहे थे। दुकान खुलवाने के लिए बाहर से बेटे को कई बार आवाज लगाई, पर अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद दुकान का दरवाजा तोड़ा गया। दरवाजा तोड़ने पर अंदर का दृश्य देख हर कोई दंग रह गया। उसने ऐसा क्यों किया, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। इसी साल मार्च में लव मैरिज करने वाली सोनी कुमारी की मौत के बाद लोगों का गुस्सा उबाल पर आ गया। सोनी की मौत को हत्या करार देकर पाके मेदनी नगर रोड पर सगालिम के पास चांदनी चौक को जाम कर दिया गया। वही सोनी की मौत के लिए राधे श्याम शर्मा और विश्राम शर्मा को जिम्मेदार ठहराते हुए दोनों की जमकर पिटाई कर दी गयी। इल्जाम है कि इन दोनों को पुलिस की मौजूदगी में बेदम मारा पीटा गया। वहीं बीच बचाव करने आई पुलिस को भी खरी खोटी सुननी पड़ी। किसी तरह पुलिस इन दोनों को हिंसक भीड़ के चंगुल से बचाकर अपने साथ ले गयी। दोनों का इलाज कराया जा रहा है। 35 साल का एक जवान लड़का नितेश कुमार मर गया। उसके भाई नवीन कुमार के अनुसार नितेश बीती रात खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया। थोड़ी देर में गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। घर वाले नितेश के कमरे की ओर दौड़े, देखा तो नितेश खून से लथपथ जमीन पर छटपटा रहा था। उसके सिर में गोली लगी थी। जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। 1 साल पहले ही नितेश की शादी हुई थी। घटना सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के मदार दरवाजा इलाके की है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। एशियन गेम्स में भारत का जलवा बरकरार है। भारत ने आज मेंस कबड्डी फाइनल मैच में ईरान को हरा दिया। दोनों टीमें जब 28-28 की बराबरी पर थी तब पॉइंट्स को लेकर विवाद हो गया, मैच सस्पेंड करना पड़ा था। विवाद सुलझाने के बाद मुकाबला फिर शुरू हुआ और भारत ने 33-29 से मैच जीतकर गोल्ड हासिल कर लिया। भारत ने पहली बार एशियन गेम्स में 100 मेडल का आंकड़ा पार किया है। भारत को अब तक 107 मेडल मिले हैं, इसमें से 28 गोल्ड मेडल है। वहीं झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। CM ने इस पर लिखा कि एशियन गेम्स में विभिन्न खेलों में ऐतिहासिक कुल 107 पदक जीतकर टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन कर देश का मान सम्मान बढ़ाया है। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, यही कामना करता हूँ। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।